पोको एफ वन के लिए 20.5.11 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस अपडेट के बारे में आपको कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको नया देखने को मिल जाता है, किन किन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, साथ साथ परफॉर्मेंस कितना ज्यादा बूस्टअप दिखाई देता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस अपडेट को यूज करने के लिए तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें, जहाँ पे आपको कम्प्लीट डिटेल मिलने वाला है इस रोम के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआईवाई 12 के 20.5.11 बीटा अपडेट के बारे में, जो कि एचएन के तरफ से पोर्ट किया गया है। और ये जो अपडेट है ये आपका चाइना रोम के ऊपर बेस्ड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। यानी आपको जो प्ले स्टोर का इम्प्लीमेंट देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो अलग से डालने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कैमरा भी बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेटेड प्रोवाइड किया गया है, जिसके फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, बट मैं एक लुक आपको दिखा दूंगा कि क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो आगे और चेंज की बात करते हैं, तो अगर लुक्स वाइज आते हैं, फीचर्स वाइज आते हैं, तो सब कुछ आपको पहले वाला ही देखने को मिलता है, जो कि हमें पहले देखने को मिलता था। तो जो भी मैंने आपको पहले MIUI 12 के अपडेट प्रोवाइड किए हैं पोको F1 के लिए, सेम वही चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो पहले से आपको बूस्टेड दिखाई देता है, जैसे कि हमारा जो MNDFX का रोम है जो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे सही लगा बाकी अदर रोम के मुकाबले। तो यहाँ पे टोटल स्कोर यहाँ पे 344111 देखने को मिलता है, जो कि प्रीवियस के चाइना और EU के बिल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर है। वहीं पे आई की ओर बढ़ते हैं, तो आपको जो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनमें कोई भी इश्यूज नहीं आता है। वहीं पे अगर हम इसके जो मैजिक्स की ओर आते हैं, जो कि पहले से रूटेड मिलता है, और नेट सेफ्टी चेक करते हैं तो आपको नेट सेफ्टी भी पास मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो नेट सेफ्टी आप इजीली यूज कर पाओगे। मैंने फोन पे ट्राई किया है, तो फोन पे मेरा काम कर जाता है, फोन पे मुझे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिला है, तो मैं आराम से बैंकिंग ऐप यहाँ पे यूज कर पाता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कैमरे के कुछ चेंज के ऊपर, जो कि मैंने प्रीवियस के MNDFX के रोम के अंदर बताया था क्या कुछ चेंजिंग है, आपने देखा होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे प्रो मोड देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग सा एनिमेशन देखने को मिल रहा है, और ये जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मे भी आपको वीडियो के अंदर कलर कम दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने हल्का सा डीप ब्लू टाइप का जो कलर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फोल्डर वाइज भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप चेंज कर सकते हो। अगर हम इसके सेटिंग और इन करते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप खुद से वाटरमार्क वगैरह भी जो सेट कर सकते हो, क्या नाम रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और इसके एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट होल्ड, और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। पिक्चर क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम आते हैं वीडियो शूट के ऊपर और फिर से इंक्लूड करते हैं सेटिंग की ओर, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वीडियो से रिगार्डिंग अलग कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप साउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के आपको साउंड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनका कलर आप जो मैनुअली चेंज कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है डिफरेंसेज। तो जो भी कलर पसंद आता है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लेआउट जो कि होम स्क्रीन से आप कस्टमाइज कर सकते हो कैमरा का, वो आपको इंटरनल सेटिंग में भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपको कैमरा चेंज देखने को मिलता है, जो कि रियल में मुझे पसंद आया। यहाँ पे चाइना रोम के ऊपर पोर्ट है, तो यहाँ पे कोई मोड नहीं किया गया है स्टेटस बार से रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ड्यूल स्टेटस बार का फीचर देखने को नहीं मिलता है। और मैं स्पीड मीटर को देखने के लिए अपने जो नॉच को हाइड कर रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई नॉच को इनेबल कर देने के बाद स्पीड मीटर जो चला जाता है हमारे जो ऊपर की ओर, तो बार बार ड्रॉ करके चेक करना पड़ता है। और चाइना रोम के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वोल्टिक आइकन की जगह HD का आइकन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आप जियो से कॉल वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो ड्यूल में जियो सिम यूज कर रहा हूँ, तो ड्यूल वोल्टेज आपको नजर आ रहा है, सॉरी HD। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यूज कंट्रोल सेंटर आपको बाय डिफॉल्ट चाइना में ही फीचर्स मिल जाता है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप अभी तक वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको जो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो इन फ्यूचर रिसीव करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो दूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे वॉच करके बेनिफिट ले सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है, यहाँ पे गैलरी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो कुछ भी नया दिखाई नहीं देता है। बाय डिफॉल्ट आपको कैलकुलेटर, कॉल रिकॉर्डिंग, कैलेंडर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह,
ये चीजें अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आपका जो है इसका स्टोर है, जो कि आपको यहाँ पे चाइना के थीम भी देखने को मिल जाते हैं और आप अदर थीम को भी इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, तो थीम स्टोरेज में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है, तो आप थीम का भी फुल बेनिफिट है जो यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपने रोम को, तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। और बैटरी चार्जिंग भी काफी अच्छा देखने को मिला है, मैंने जितना भी यूज किया है उसके हिसाब से मैंने बार बार चार्ज भी किया है, क्योंकि मैं थोड़ा हैवी यूज करता हूँ तो बैटरी मेरा थोड़ा ज्यादा ड्रेन होता है। तो यहाँ पे जो बैटरी मुझे काफी हद तक सही लगा है और चार्जिंग का जो स्पीड है वो भी काफी एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा चेंज मिला है, उसके लिए आपको आना होगा अपने एडिशनल के सेटिंग्स में, जहां पे आपको देखने को मिलता है कुछ एक नया फीचर जो कि आपको एक्सेसिबिलिटी में देखने को मिलता है, MIDI TO। इसे अगर आप यूज करते हो यानी इनेबल कर देते हो, तो आप जो भी स्पीक करोगे ये उसे रिटेन करेगा, या फिर आप जो टाइप करोगे वो इसे स्पीक करेगा। तो जैसा करना चाहते हो आप कर सकते हो, इसे आप जो ऑन स्क्रीन भी डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जो इसे लार्ज भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो MI का कैलकुलेटर काम करता है। तो सेम अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो बस टाइप करके सेंड करना है, ये स्पीक करेगा। हेलो तो कुछ इस तरीके से आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हो, जो कि चाइना बिल्ड में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो फीचर्स है शायद EU के अंदर या फिर MIDI FX का जो पोर्ट आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बस वेट करना है नेक्स्ट अपडेट का, और जैसे ही आएगा मैं आपको रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।